हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राज नाइट। क्या आज बड़ा ही हल्ला आज लड़ा देख गाइस, लिया। आज हमें सोहेल जो है ना वो ओए शादेब, क्या रिव्यू करने लगे वो? ओ हेलो हेलो, क्या कुछ भी तो नहीं था उसमें। क्या चक्कर है तुझे? बड़ा शौक है मेरा चेक करने हमान ने का। वैसे भी तेरी बोले देखी हुई। कंचे ओए किशमिश कंचे किशमिश। कंचे। वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर एपिसोड ऑफ गराज नाइट। आज हम पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं कैजुअल दोस्तों के साथ। सो प्लीज़ वेलकम, दिस इज योर होस्ट राणा। प्लीज़ वेलकम हमाद। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। क्या हाल है? क्या क्या एंड चल रहा है? एंड माय गेस्ट शाज़ेब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एंड माय डियर फ्रेंड सोहेल। ओए कुर्सी से ना गिर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं ऑलमोस्ट सो गया था। राणे ने बोर कर दिया था तुम्हें? आई पहले 10 सेकंड में। आई एम वेरी सॉरी गाइस कि मैं आप वेलकम टू द पॉडकास्ट गाइस। आज हम चार बैठे हुए हैं और बस एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करेंगे। नहीं, करेक्शन करेक्शन राने, तुम्हारे अभी नाई गुजरा है ना, अभी बाल काटेगा वो जिस चेयर पे तू बैठा हुआ है। बाल काटने वाली चेयर पे बैठा हुआ है, नहीं लग रही है? तुम लोग मेरी चेयर को इतना रोस्ट क्यों कर रहे हो? इस चेयर के साथ क्या है? नहीं, इसकी चेयर नहीं, देखो वो अभी अभी तक वो नाई की दुकान पे ही है अभी। नहीं, बस ये देखो, हमने ये गेमिंग चेयर, भाई के पास भी गेमिंग चेयर, सोहेल के पास इतनी रेड वाली गेमिंग चेयर, तुम नाई की चेयर उठा के ले आए। नाई की चेयर नहीं ले गया है ये। वो छोड़ो, इसका कैमरा भी अच्छा है, इसका माइक भी अच्छा है, पूरा सेटअप A1 है, बस नाई की चेयर उठा के ले आए ये। यार वो अभी बाल कटाने हैं ना मेरे, जरा। नहीं, अभी व्लॉग बना रहा है भाई, बैठ के बाल कटवाएगा। वो अभी सोहेल ने आके मेरे बाल काटने हैं। हाँ मैंने काटने, ऊपर से कटे हुए हालांकि मेरे। वाले काट देगा आगे। ध्यान से कहीं कबीर सिंह बन के ना घूम रहे हो यार। छोड़ो बाकी सारी बातें, छोड़ो यार। गाइस आई एम होस्ट टुडे, सो प्लीज रिस्पेक्ट द होस्ट एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट एवरीबॉडी। आजकल हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करना, सारे लोग वगैरह डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड एक्टिव किया हुआ है, हमारे सोहेल भाई भी इधर होते हैं, सारे शज़ेब भाई कभी कभी हो जाते हैं। यार अभी रिसेंटली अपलोड करी थी मैंने वीडियो। ओए डिस्कॉर्ड की बात हो रही है भाई, डिस्कॉर्ड की बात हो रही है यार, अपने चैनल बात। एक मिनट, तुम लोग हर चैनल प्रमोशन करने बैठ हर जगह तो प्रमोशन करते हो। हाँ तो करनी चाहिए यार, इसमें क्या क्या गलत बात है? ये देखो तुम, क्या ये ब्लू वाली चीज क्या स्मोक कर रहे हो? ब्लू वाली चीज। अच्छा एक मिनट, क्या है ये? ये गलत बात है बे। अच्छा गाइस मैं आपको पहले बता दूं, रिकॉर्डिंग से पहले ना हमें सोहेल ने उतार के अपने छुआरे चेक करवाए थे। और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना तेरे पास उसकी? मेरे पास प्रूफ है, बस सही है, मेरे पास प्रूफ है। बाकी हाँ देख, तुम देख के मजे लेना, ठीक है। वॉकिंग डाउन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे
हम लोग GTA अब तो सारे PC पे खेलते हैं ना, अब आगे का प्लान क्या है हम लोगों का PC पे, जैसे GTA वगैरह अब स्टोरी वगैरह आगे कैसे चलाएंगे, क्या करना है उसके बाद? ये तो भाई बताएगा, भाई बताएगा क्या, तुम लोग भी तो सारे उसमें शामिल हो गए जी अभी। पहले मतलब हमने कंसोल गेमिंग छोड़ दी हुई है, GTA कोई भी गेम लेके अब सारे PC पे ही खेलते हैं फिलहाल। तो GTA का खास कर हर वीकेंड पे हम कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे जो भी लोग डिस्कॉर्ड पे होते हैं, जो लोग हमारे क्रू में हैं उनके साथ हम खेलते हैं हर वीकेंड पे, एटलीस्ट वीक डेज में भी लोग अवेलेबल होते हैं। अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना है, हमारा डिस्कॉर्ड जो है लिंक में होगा, वो ज्वाइन करो और तुम लोग भी खेल सकते हो हमारे साथ। देखा कितना जबरदस्त बात करता है ये, इसका माइक बहुत अच्छा है। हमाद नहीं, मैं यही कहूँगा कि सोहेल सही कह रहा है कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, अभी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारी वहाँ हो रही है, और जब तक GTA 6 नहीं आ जाता जब तक हम तक तब तक हम PC प्लेयर्स हैं, उसके बाद तो हमें प्ले स्टेशन लेना पड़ेगा। अच्छा अब GTA 6 के लिए मेरा ये है कि ज़्यादातर अब देखो अब हमाद भी अपलोड करता है, शाज़ेब मलिक, यार मलिक और अनवार ने आज भी आना था पर वो लोगों का थोड़ा ज़रा इमरजेंसी वगैरह थी तो वो लोग आए नहीं है। उनका मेबी नेक्स्ट पॉडकास्ट, मेबी नेक्स्ट पॉडकास्ट उनके साथ भी हम लोग करेंगे। पर मेरा ये है कि अब सोहेल भी चैनल चलाता है, हम भी चैनल चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। अब GTA की आवाम जो है ना पाकिस्तान सारी बातें ज़्यादा देख रही है, अब मुझे ऑडियंस का पता नहीं है, क्योंकि ऑडियंस का अब सोहेल भी अगर GTA की लगा रहा है या शाज़ेब भी लगा रहा है, मलिक भी लगा रहा है, GTA में देख रहे हैं लोग, बट यार दूसरा कंटेंट भी है ज़रा। अब जैसे दूसरे अब शाज़ेब मैं हम लोग क्रू मोटरफेस्ट वगैरह खेलते हैं या नहीं? अभी जैसे मैंने मतलब चैनल शुरू किया, मैं मिक्स कंटेंट डाल रहा था, मतलब कोई भी गेम जो मैं खेलता हूँ, हमारी अक्सर साथ ही होती हैं वीडियोज, सारे हम इकट्ठे होते हैं गेम में, तो जो हम फन GTA में करते हैं वही फ़न हम ट्राई करते हैं कि हम बाकी गेमों में खेलें करें। तो मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं वो चीज़ देखते, क्योंकि वही लोग हैं हम, वही बातें हैं, मतलब जैसे हम मिल के खेलते हैं, फ़न करते हैं गेम में, सेम चीज़ है, सिर्फ उसमें GTA नहीं है। मुझे मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने अलग कंटेंट की डाली हैं, लेकिन GTA पे जो व्यूज आते हैं वो बाकी गेमों पे नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, GTA ही एक गेम अभी बचा है जो लोग देखते हैं, बाकी तो इतने अच्छे अच्छे गेम्स हैं, अगर लोग उस पर देखना चाहें तो उस पर कॉन्टेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब लोगों का इंटरेस्ट है, आप चेंज नहीं कर सकते। सही, ठीक हो गया। अच्छा GTA 6 का तो ट्रेलर तुमने देखा ही है, सारी बात है, सब ने इकट्ठे बैठ के देखा था। बच्ची जो है वो ऐसे खोल के खड़ी हुई है, उसने तो स्नैपशॉट लगा के अपने इंस्टाग्राम पे ठोपा था। ये देखो ये इंस्टाग्राम डाला था, मैंने कहा भाई ये मेरी है, ये साइड कर दो, ये मेरी है। इसने पहले कार्ड डिप्स कर दिया, अब शाज़ेब को नहीं मिल सकती। कोई नहीं, मैं सबसे पहले स्ट्रिप क्लब लेके जाऊंगा उसी को। गाइस मैंने सुना स्ट्रिप क्लब जो है ना GTA 6 पे बड़ा रियलिस्टिक होगा। हाँ, जिगल फिजिक्स सही है। ये तो राने ने तब भी बोला था जब GTA 5 रिलीज हुआ था। भाई GTA 5 में पहले दिन जब मैंने डाउनलोड की था, सबसे पहले दिन ही मेरा उस पे स्ट्रिप क्लब में गुजरा था, पता नहीं कितने $50,000 लगा दिए थे, पता है उस टाइम कितने महंगे बनते थे, डिलक्स शिलक्स कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे। अबे बहुत मुश्किल था भाई पैसे बनाना गेम में, और ऊपर से हमने RP स्टार्ट की थी, वो तो मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, हम लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं भाई, मुश्किल है। RP भी एक दफा स्टार्ट की थी, वो तो मां की सीरी गांड पड़ गई थी, वो वुड वर्क करते करते याद है उसमें तो और कुछ है ही नहीं, वो समझ लो 2-4 मिशन है जो आपने करने हैं, हर मतलब हर जो भी हम कर रहे थे उसमें हमें मिल रहे थे $15-16। हाँ लाइक ऐसे थोड़ी होता है भाई, इतना ग्राइंड, अगर GTA को एक बार ग्राइंड कर लिया उसके बाद नहीं कर सकते कोई भी, लाइक आरपी वगैरह। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग को कोई सर्वर वगैरह मिले, सर्वर वगैरह जैसे 5M वगैरह का जो सर्वर होता है ना, उस पर हम लोग सारे इकट्ठे RP वगैरह करें। अगर RP वगैरह जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह जो रिकॉर्ड भी करते हैं RP वगैरह, मेरे लिहाज से ना, इन माय ओपिनियन RP जो है ना वो बहुत आगे तक जा चुकी है। अब कोई भी ऐसी गेम, काफ़ी अब गेमों में RP है, पर कोई भी ऐसी गेम नहीं है GTA की तरह जो इस तरह का RP बनाती है।
आरपी में आजकल काफ़ी स्टोरीज वगैरह आ चुकी हैं, काफ़ी कुछ उसमें आप कर सकते हो. GTA 5 जैसे गेम रिलीज हुई है उसमें उससे ज़्यादा आपको कंट्रोल है. तो हम ज़्यादातर यही चाह रहे हैं कि आरपी को कोई सर्वर वगैरह करे तो हम ऑडियंस के साथ भी खेल सकें, खुद भी खेलें, यू नो. यार मैं अनवार ने काफ़ी मतलब डिस्कस किया है इस बारे में, आरपी के सर्वर के बारे में, लेकिन कर नहीं रहा कुछ. पता नहीं उसका प्लान है या नहीं. तो मेरा तो बड़ा दिल था आरपी का, कोई सर्वर बनाए हम. और क्योंकि उसमें हमें मतलब कोई हैकिंग वगैरह या ये मॉड वॉड डालना ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी. और लाइक हमारे लिए कॉन्टेंट बनाना बहुत ईजी होगा उसमें. अबे अब तू हंस रहा है, ये चीजें लोगों को पता है, तुमको पता है ये चीजें. क्या चीज़ भाई, लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई हमें पता है ये तुम कर रहे हो जो कर रहे हो. भाई मैं तो नहीं करता भाई ये चीजें. जन्नती मेरे पास तो शूटिंग का अकाउंट ही नहीं है. वो तभी बैन हुआ ना वो बड़ी पहले. भाई साफ तरीके से खेला करो GTA. देखो मैंने कितने मेरे पास 400,000 पड़े हुए मेरे पास. वो भी मैंने वो कौन सी वो की थी, डायमंड कैसीनो वाली हाइस की थी. बस 400 मिलियन, बस ओनली 400 मिलियन. तो गाइस आरपी का टेक यही है. हमने तो सारा अब हमाद को ही देखा हुआ, हमाद को पे ही छोड़ा हुआ, क्योंकि अब जारी बात है हमाद ज़्यादातर ऑडियंस पुल करता है. हमारा ज़्यादातर ऑडियंस पुल करेगा तो हम लोग आरपी का सर्वर बना सकेंगे. लोग अगर इन्वॉल्व होंगे उस पर, आरपी के सर्वर पे काम करेंगे, मॉडर्स मिलेंगे, तो तभी आरपी स्टार्ट हो सकता है. आरपी अभी तो हम ऑनलाइन में ही कर रहे हैं और अभी आगे भी उसी पे चलाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी प्लान्स हैं उसमें. तो लेट्स सी क्या होता है. 5M को तो अभी फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं, अगर कुछ होगा आगे तो वो देख लेंगे, लेकिन 50-50 है वो अभी. शादेव तेरा आरपी पे क्या टेक है, क्योंकि ज़्यादातर तुझे पता हम लोग ऑनलाइन वीडियोस का वगैरह करते हैं सारे दोस्तों में, बट आरपी का क्या टेक है उसमें. यार मैंने वो वाला कौन सा सर्वर था जिसमें ग्रैंड आरपी, उसमें यार बहुत बहुत टाइम लगता है यार. हम लोग सीधे सीधे फैक्ट्री में जाके पता नहीं क्या हार्वेस्ट कर रहे थे, उसमें बहुत टाइम लगता है. तो अगर हमारा अपना सर्वर होगा ना तो उसमें ये है कि हमारे पास पैसे होंगे, आसानी होगी, आसानी से मतलब जॉब्स वगैरह क्रिएट करेंगे. लेकिन शुरू से किसी और सर्वर में खेलना तो भाई फजूल. देखो अपने लिए कुछ बना रहे होते हैं ना, कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा सर्वर है, हम कुछ कर रहे हैं उसमें, तो हमें मजा आएगा. हाँ किसी का सर्वर है उसमें हमें किसी चीज की परमिशन नहीं है. और लाइक ऐसे ही कोई जॉबे करना जिसमें से हमें कुछ भी ना मिले, हम कुछ खरीद ही नहीं सकते. कुछ कुछ मतलब दिन लग जाते हैं उसमें, रियल लाइफ दिन जो होते हैं. नहीं खेलने ही नहीं होती, बंदा दो दिन में बोर हो जाता है. यार किसी ने डिस्कॉर्ड में पूछा था कि हमाद भाई शादी कब कर रहे हैं, उन्होंने उनको बाजी देनी है. हमाद भाई शादी कब कर रहे हो, सेंड मी पिक्चर्स. जो जो कह रहा है वो पिक्चर्स सेंड कर. किसकी बाजी की? और किसकी में? और अगर कोई फीमेल है तो अपनी. अच्छा यार बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग के GTA 6 का ट्रेलर देखा सारे. मुझे सिंगल टेक बताओ, अब क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर. भाई अभी क्योंकि टीजर 1 आया, अभी मैं इतना ओवर हाइप नहीं करूंगा इसको. कभी भी किसी गेम को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए, हमेशा वो डिसअपॉइंट करता है. लेकिन कह सकते हैं कि 70% यार ओवर हाइप नहीं कर रहे यार, ओवर हाइप वो अब 70% इट्स गुड. मतलब अभी सेकंड ट्रेलर के बाद मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आई थिंक ऑब्वियसली इंजन दूसरा है तो फिर गेम तो अच्छा ही लग रहा है. अच्छा GTA 6 में इंजन डिफरेंट हो रहा है? यस इंजन डिफरेंट. जाहिर सी बात है यार, वो GTA 5 का थोड़ी लगा देंगे वापस. नहीं वो इंजन का पता है, इंजन वैसे कौन सा यार, अनरियल तो नहीं है, दूसरा है. अनरियल नहीं होगा ना? अनरियल नहीं. अच्छा तो अनरियल का, अनरियल से ऊपर का कोई इंजन यूज कर रहे हैं? वही ना. हां मे बी डिफरेंट हो सकता है या फिर मर्ज करके कुछ हो, लेकिन पूरा अनरियल नहीं है, क्योंकि अनरियल पे तो फिजिक्स अलग ही नजर आती है इसकी. अनरियल नहीं है. डू यू थिंक रेड डेड रिडेम्पशन का इंजन यूज कर सकते हैं? उन्होंने चीजें उठाई होंगी
चीजें उठाई होंगी इसमें से, लेकिन एनहांस की होंगी। रेड डेड का आप सिमिलर कह सकते हैं कि सिमिलर टू रेड डेड रिडेम्पशन हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, उससे अच्छा ही होगा क्योंकि उन्होंने टाइम लगाया। अच्छा यार, फॉर मी मैं कह सकता हूँ कि मेरी गेमिंग जो है ना वो सारी GTA बहुत पहले से स्टार्ट हुई है। मैं यार प्रिंस ऑफ पर्शिया माँ की सीरीज पता नहीं किधर किधर खेली है मैंने, पर बेसिक मूवमेंट शूटिंग ये सारा कुछ मेरा GTA से स्टार्ट हुआ है। और इस GTA की स्टोरी लाइन भी ना, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा मैं, जो स्टोरी लाइन में जो तीन करेक्टर थे ना, ये इन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी बनाई थी। इसकी स्टोरी लाइन सबको पता बहुत ज़बरदस्त थी। अब तुम लोग को ये लगता है कि ये बॉनी एंड क्लाइड वाली जिस तरह की टाइप की स्टोरी अभी ये लोग बना रहे हैं चलेगी? यार क्योंकि तुम लोगों को पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट डजंट मैच, राइट? भरम नहीं आते, वो भरम नहीं आते मेरी नजर में, क्योंकि अब क्योंकि इतना फेमिनिज्म चल रहा है तो उनको एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट रखनी थी। और इन द एंड में ये मिशन हो सकता है कि किल जेसन और लूसिया, ऑब्वियसली एवरीबॉडी गोना किल लूसिया। मुझे नहीं लगता ये वाला फ्यूचर थे हम वो ही देंगे, डेथ विश, डेथ विश काइंड ऑफ। यार मुझे नहीं लगता कि बॉनी एंड क्लाइड में डेथ विश, यार यार फीमेल प्रोटैगनिस्ट पता नहीं इन्होंने क्यों रख दी। मैं तो जो भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है मुझे तो गेम में भरम ही नहीं लगते उसके, सीधी बात है। हां ऐसा है, ये तो है, ये तो है। टूम रेडर इतना अच्छा गेम है, सिर्फ इसी वजह से नहीं खेला मैंने कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। और ऐसी असैसिन्स क्रीड के मैंने सारे पार्ट खेले, लिबरेशन में फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी इसलिए नहीं खेला मैंने। अबे वो तो सही है, मुझे हो सकता है कि उसके स्किल्स जो हैं लूसिया के हों, कि किचन में वो बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनाए, बर्तन वगैरह धोए, हो सकता है। पहले से जज नहीं कर सकते ना यार आप। अब जेसन को खाना भी तो चाहिए, उसमें रियल सब चीजें चाहिए उन्होंने डाली हैं, तो हो सकता है। मेरा अकाउंट तुम लोग पहले मेरा GTA का अकाउंट फ्लैग कराओ और फिर YouTube का कराओ, बैठ के सी बंदे को देखो, उसको जेसन की पड़ी हुई है, उसको खाना चाहिए, हो ही ना। रहने वैसे तो ये नाइटी की पहन के बैठे। अबे यार नाइटी नहीं है, टी शर्ट है, क्या हो गया यार? अबे नहीं यार टी शर्ट है, वो बाल कटवाने आया तो ऐसी टी शर्ट पहनेगा ना तू भी यार, कसम से। यार तुम लोग मेरे पे घूम फिर के फिर मेरे पे। अब देख लो सोहेल को, देख लो वलीमे में जा रहा था वो, हमने रोक लिया उसे, तो फिर सोहेल ये बता घर में जैकेट पहन के क्यों बैठा है? मुझे ठंड लग रही है इसलिए। हां ये भी है, विंटर है, चलो मेक सेंस। वैसे एक बात बताओ, वैसे सारे लोग कहेंगे, वैसे इन्होंने इंट्रो के बिल्कुल बाद ही मेरे ख्याल से वीडियो बना दी, सारों ने सेम कपड़े पहने हुए। नहीं नहीं मैंने टी शर्ट चेंज करी है भाई, अभी 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 हम सारे इकट्ठे थे, मिले हुए थे, बैठे हुए थे एक जगह पे, इसलिए सब ने तो कपड़े सेम पहने। इंट्रो नया है तो यही होगा ना। हाँ गाइस इंट्रो अभी अभी नया नया बनाया ना, तो आज आज बना है अभी अभी, और बिहाइंड द सीन्स मेरे पास पड़े हुए, मैं उसमें डाल दूंगा अपने, हाँ वीडियो शॉर्ट्स में डाल दूंगा मैं यूट्यूब की। चलो गाइस, तो गाइस वो देखने के लिए सब्सक्राइब टू बॉय फ्रॉम पार्क। गाइस सारा इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया हमारे, मैं हम शाहजेब का चैनल, सुहेल का चैनल और हमाद का चैनल सारे इनके ऊपर ऊपर ऐड आ रहे होंगे, और इनके लिंक सारे मैं नीचे डाल दूंगा, तो प्लीज़ डू चेक आउट, सपोर्ट किया करो सारे, ऐसे ही कम्युनिटी बढ़ती है, ऐसे ही अगर GTA की कम्युनिटी आगे बढ़ती है और सारे कनेक्ट रहते हैं। अपने अब मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के पास चलता हूँ, video reviews and stuff like that, so let's get to it guys. Oh, he's trying to say something, his final words. Inky pinky pinky mere se pyar karti hai, inwar ka favorite, inwar ka favorite gana. Nahi main tere se last par puch raha hu, tera mere se pyar hai ya? Abhi ye kya kar raha hai? तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूंगा, और अगर तू वैसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं गाना सीख लूँ तो सबसे पहले मैं अजान दूँ। सही फेंका इसको, ये क्या था? कहा था आंटी तो भाग गई है, बदतमीजी नहीं बड़े हैं। बड़े के अंदर थोड़ा या मस्ती बहुत है, सबसे बड़ा जो होता है वो इन्हीं में होता है, इन्हीं के अंदर जाता है भैया।
इमोशनल डैमेज, इमोशनल डैमेज से ज्यादा था ये। ये जो कारी बने फिरते हैं ना, ये हरामी होते हैं कसम से। ये क्या चक्कर है ये प्रमोशन कर रहा है तू? एंट्री अच्छी है लेकिन बैटरी का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। सियालकोट में पेश आया अजीब और गरीब वाकया। दुल्हन को बारात से घर वापस लाए तो पता चला कि वो ख्वाजा सरा है। जिशान और शामिल नामी नौजवान सोहेल आफ्टर गेटिंग मैरिड। मेरी शादी नहीं हुई भाई, मैं कुंवारा हूँ इसलिए कह रहा आफ्टर गेटिंग चक्कर में लिए तूने। ये कराची में हालात है तुम दोनों कराची के। अबे सियालकोट है, सियालकोट पंजाब साइड है, पंजाब साइड। सोहेल हंस दे चेहरियां। अबे मुझे लगा कराची की है। अबे तू कराची पे आ जाता है फौरन। हां देख फौरन कौमियत पे आ जाता है, अटैक पे आता है ये। मेरी तो शादी नहीं हुई भाई। देखो महाजन पहले चेक करते हैं। रात से दुल्हन घर लाया तो रात को 3 बजे अपनी दुल्हन को देखकर डर से बेहोश हो गया। बाद अजा मालूम हुआ कि दुल्हन नहीं वो ख्वाजा सरा है। जिशान ने रात को 3 बजे ही घर में शोर मचा दिया, जिस पर तमाम मोहल्लेदार भी रात के 3 बजे गली में जमा हो गए। जिशान को तीसरी टंग दिख गई। ठुमके लगा लो, क्या है तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मुझे बताएं आप, अगर मैं अपने सके बहन भाइयों की शादी पे एंजॉय कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, क्या जबरदस्त नाचे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जाकिर नाइक वाली वीडियो आनी चाहिए। मैंने ढुमके मेरे ढुमके मारे अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर आजम। ये बाबर आजम नहीं, ये बोबर आजम। बांदर आजम लग रहे हैं। ये गोबर आजम। और नहीं यार ये बाबर आजम कल परसों से हुए। ये बाबर आजम नहीं है यार, कोई नहीं है अबे ये पागल। ये कोई थर्ड कॉपी है। ये बाबर आजम कल परसों से हुए टीबू से मंगवाया। नहीं नहीं बाबर आजम फ्रॉम daraz.pk है। ये टिकटॉक से हमसे मंगवाया। अच्छी कोई कोई अच्छी मीम सोच। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सेम फीलिंग्स। मेरे को पता था, जो मेरे पीछे एक्टर देखा था ना, मेरे को पता था। मुझे भी लग रहा था कि ये आएगा। और जब जब सुबह सुबह हमजा काम पे आता है, अरे साहब जब अनवार को हमने एडमिन परमिशन दे दी डिस्कॉर्ड पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मेरी टिप ऐसी ब्लैक फिंगर्स मैटर्स। और ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, इसमें डंडा है, इसमें डंडा है, ये जो झंडा है। मैं शाही इकबाल का, मैं शाही इकबाल का। अबे ओए ये हिजड़ों का काम नहीं, ये मर्दों का काम है, पीछे हट। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान। कमाल टाइट था। इट वॉज नीडेड यार। पीकी ब्लाइंडर्स में ना सम तो फिर 1, 2, 3 और स्टार्ट। 1, 2, 3 5 टपा डप टपा डप टपा डप।
ये जो आप लगा रहे हैं इसको पुशअप नहीं कहते भाई। यार उल्लू आदमी है भाई, को कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। चाचू कोई और ही प्रैक्टिस लगी मेरे को। ओके गाइज, दिस वॉज इट, होप यू गाइज एंजॉयड। हम लोग एक डिस्कॉर्ड पे चैनल वगैरह बना लेंगे, आप सारे यहाँ पर डिस्कॉर्ड पे मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड पे चैनल डालेंगे, उसके ऊपर आप मीम्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह या कोई भी अपनी चीज़, या आपने कोई फ़ोटोज़ की मीम वगैरह बनाई है मीडिया में डाल देना, तो हम उसको रिव्यू वगैरह आगे करेंगे। और आगे भी पॉडकास्ट वगैरह का ज़्यादातर हम ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते इकट्ठे, जब इकट्ठे अवेलेबल होते हैं तो पॉडकास्ट वगैरह कर लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी अवेलेबल होंगे होपफुली बहुत जल्द हम फिर एक और पॉडकास्ट बनाएंगे। गाइस दिस वाज गैराज नाइट एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर एपिसोड। बाय।